असम के सीएम और दिल्ली के सीएम आमने सामने। असम के मुख्यमंत्री हेमंता ने केजरीवाल को दी धमकी, अगर केजरीवाल ने मेरे खिलाफ आरोप लगाए तो छोड़ूंगा नहीं। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। असम के सीएम हेमंता बिस्वा सरमा आजकल फुल फॉर्म में हैं और उनके लिए हॉट टॉपिक मुसलमान हैं और मुसलमानों को लेकर जो जो बोलते हैं उससे उनको अब फायर ब्रांड नेता कहा जाने लगा है। उसी कड़ी में अब हेमंता ने केजरीवाल को धमकाया है। क्या कहा है हेमंता ने, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त काफी मुश्किलों में हैं क्योंकि उनके सबसे खास मनीष जेल में हैं और बीजेपी हमले पर हमला करती जा रही है। इसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी पंजाब के साथ ही कई और राज्यों में अपने जनाधार को बढ़ा रही है। उसी कड़ी में केजरीवाल रविवार को असम में रैली करने वाले हैं। उस रैली से पहले असम के सीएम हेमंता बिस्वा सरमा ने अरविंद केजरीवाल को धमकी दी है और कहा है अगर केजरीवाल ने उन पर झूठे आरोप लगाए तो वो उनके खिलाफ मुकदमा कर देंगे। हेमंता बिस्वा सरमा का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब कथित तौर पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में कहा कि हेमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ कई राज्यों में मामले दर्ज हैं। मीडिया से बात करते हुए हेमंता बिस्वा सरमा ने कहा, क्या मेरे खिलाफ देश के किसी हिस्से में मामले दर्ज हैं? मैं मानहानि का मामला दर्ज कराना चाहता हूं, लेकिन अरविंद केजरीवाल कायर की तरह विधानसभा में बोल रहे हैं, इसलिए उन्हें 2 अप्रैल को असम आने दीजिए और ये कहने दीजिए कि हेमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ मामले दर्ज हैं, मैं उनके खिलाफ केस कर दूंगा। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे रैली से पहले केजरीवाल और शर्मा के बीच तलवारें खिंच गई हैं। अब देखना होगा कि रैली में केजरीवाल क्या बोलते हैं। जानकारी देते चलें कि 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल पर गुजरात हाईकोर्ट ने जुर्माना लगाया है और कहा है जब पीएम मोदी की डिग्री सार्वजनिक है तो उसमें क्या करना है। ऐसे में हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। यहां एक दिलचस्प बात बताते चलें कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी अब उत्तर पूर्वी राज्य असम में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है। इसी के लिए केजरीवाल 2 अप्रैल को असम का दौरा करेंगे और यहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। ये जनसभा गुवाहाटी के भरलूमुख स्थित सोनाराम उच्च विद्यालय में आयोजित की जाएगी। इस जनसभा का आयोजन असम प्रदेश आम आदमी पार्टी कर रही है। इसी सभा से पहले असम के सीएम ने केजरीवाल को धमकी दी है कि अगर मेरे खिलाफ झूठी बात की तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल क्या करते हैं और क्या जवाब देते हैं और उसके बाद शर्मा का क्या एक्शन आता है।